अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ जो है वो गांव में सुबह के टाइम जो है वो कामकाज ही होते हैं ना, उसके रूटीन शेयर करने जा रहा था, इसलिए आपने वीडियो में साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। यहाँ पर देखिए सालन जो है वो बना रही हूँ मैं, तो आलू मुंगरे का सालन है और आलू मुंगरे जो है वो मुझे बहुत ही पसंद है। तो आपने बताना कि आपको अच्छे लगते हैं या नहीं लगते। और बहुत ही मज़े का सालन जो हमारा बना था और धूप जो है अभी यहाँ तक आ गई है। देखिए अभी सुबह सुबह का टाइम है और जो है वो अम्मी जो है वो यहाँ पे ना मक्खन निकालने लगी थी, तो मैंने कहा कि चलो इधर से एक वीडियो का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम ना सबसे पहले काम यही होता है कि मक्खन निकाल लिया जाए। तो यहाँ पर सफाई वगैरह भी तकरीबन जो है वो हो गई थी, तो मैंने कहा कि चलें सुबह सुबह का टाइम है, क्योंकि रमज़ान माशाल्लाह चल रहा है, तो इसीलिए ना अब सहरी करके उसके बाद जो है वो नींद ही नहीं आती है। तो कितना अच्छा मंज़र होता है सुबह सुबह ना, यहाँ पे बैठ के ना परिंदे चहचहाते हैं इस वाले पौधे पर ना। तो बस अब मैं यहाँ पे देखने लगी थी कि इसमें मक्खन आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि काफ़ी देर से ना चल रही थी। तो सॉक्स मैंने पहनी हुई थी, आपको नज़र आ रही होंगी। तो आज कल ना सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया बारिश आने की वजह से ना, तो कहीं पे कह रहे हैं ओले पड़े, इसी वजह से ना मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया। वरना तो ये था कि हम कह रहे थे रज़ाइयाँ रख देते हैं, लेकिन अभी ये दोबारा से सर्दियाँ आ गई हैं जाके, यानी कि दोबारा से। तो ये और फिर दूसरी बात ये है कि अब रमज़ान आ गया, तो उसमें भी इतनी ज़्यादा ना प्यास महसूस नहीं होती, क्योंकि ठंडक इतनी ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी लस्सी भी बन गई है और मक्खन भी निकल आया। तो आज हम सोच रहे थे कढ़ी बनाने का ना, तो हमने कहा कि आज ना लस्सी किसी को नहीं देंगे, वरना ये होता है कि लस्सी मैं ही शौक़ से पीती हूँ, तो आजकल मैं भी नहीं पी रही, इसलिए ना फिर अम्मी डेली किसी ना किसी को कह देती है, क्योंकि अच्छी बात है ना, रिज़क को ज़ाया तो नहीं ना करना चाहिए, किसी को दे देती है। तो फिर आज हमने कहा कि चले नहीं देंगे, आज हम इसकी कड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर बस मैं छत पे आ गई थी और ये देखें सूरज माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि बादल भी हैं आज और सूरज भी निकल रहा है, तो सब्ज़ा ही सब्ज़ा है गंदम की वजह से ना चारों तरफ। यहाँ पे देखें कितनी खूबसूरत सी आवाज़ें आ रही परिंदों की। तो फिर उसके बाद मैं एहसन के लिए ना चाय बनाने, मैंने कहा कि चल एहसन अभी सो रहा है तो मैं उसके लिए चाय बना देती हूँ। यहाँ पर देखें आग हमारी जल चुकी है यहाँ पर, क्योंकि एहसन जब उठता है ना फिर उठते ही ना उसने शोर डाल देता है कि वो मुझे चाय पीनी है, चाय पीनी। यहाँ पे बस मैं आग जला के उसके लिए चाय रेडी कर रही थी। वैसे तो वो दिन में तो तकरीबन दूध ही पीता है, लेकिन ये है कि सुबह के टाइम तो चाय पीता है, वो भी फीडर से। वैसे उसे कप में देना तो वो नहीं पीता है। तो सबके तो तकरीबन रोज़े थे, तो फिर एहसन और दा के लिए मैं यहाँ पे चाय बना रही थी। तो आग जल जाती है तो फिर आसानी हो जाती है जल्दी से ना, वैसे आज हवा भी चल रही थी। तो यहाँ पे हमारी चाय रेडी हो गई थी और काम शाम भी हो गए थे, तो बेबी भी सोया हुआ था अभी तक तो ना। तो यहाँ पे साफ़ सफाइयाँ हो गई थी, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि सारा काम काज हो गया और बर्तन भी धो लिए थे मैंने ना। यहाँ पे देखे बर्तन भी धुल गए थे हमारे, बादल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ गए थे आसमान में, आपको दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, धूप भी है और साथ बादल भी हैं, कभी बादल आ जाते हैं और कभी धूप, बस यही चल रहा। और फिर मैंने आज स्कूल भी जाना था, क्योंकि मैंने स्कूल भी ज्वाइन कर दिया ना, मैं स्कूल भी जाना था, तो मैंने कहा कि चलें। और यहाँ पे अपना स्कूल में हूँ, तो यहाँ से ना ऊँट गुजर रहा था, तो बच्चों ने कहा कि चले वीडियो में ऐड कर लूँ, उन्हें भी पता मैं वीडियो बनाती होती हूँ, तो वो कहे थे कि वीडियो बना लो इधर से ही। तो कुछ बच्चे तो कहे थे हम आपको पास जाके बना दे, तो मैंने कहा नहीं इधर से ही बना दो। तो बस जो है वो ये थी आज की मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने लाइक ज़रूर करना, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।